चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे विशाखी। विशाखी का त्यौहार फसलों कट्टन की खुशी विच मनाया जाता है। यह एक तरह का किसानों वल्लों रब प्रति किया गया धन्यवाद हुंदा है कि उसने उन्होंने घरे अनाज नाल भर दिते हैं। खुश होकर किसान नचदा है, भंगड़े पाउंदा है। विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की सी, इसलिए भी इसकी महत्ता है। यहाँ पर विसाखी के त्यौहार के बारे में बताया है कि विसाखी का जो त्यौहार होता है वो फसलें काटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन किसान का घर जो है वो अनाज से भर जाता है, इसलिए वो खुश होकर नाचता है, भंगड़े डालता है। और इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, इसलिए भी इस त्यौहार की खास महत्ता है। आज विसाखी का पुरब है। हरी रूप और हरी जोत तैयार हो रहे हैं। हरी जोत ने बहुत ही सोहनी दस्तार सजाई है। हरी रूप ने भी वधिया सूट पहनिया है, सिर ते गोटे वाली चुन्नी लई है। उन्होंने दादा जी नाल अज गुरुद्वारे जाना है। उन्होंने गुरुद्वारे जाना चंगा लगता है। उन्होंने लगता है जिवें वो गुरु जी नू मिलन जा रहे हैं, गुरु जी दे घर जा रहे हैं। जदों सारे मिल के बैठते हैं, संगत रूप विच बैठना हरी रूप अते हरे जोत नू बहुत ही चंगा लगता है। दादा जी अक्सर दस्या करते हैं कि संगत विच ही गुरु हुंदा है, संगत विच ही रब वसदा है। हरी जोत अते हरी रूप नू गुरुद्वारे जाके ये पंक्तियाँ सुननिया भी बहुत चंगियां लगदियां हैं। तो इस स्टेंजा में बताया है कि जो हरी रूप है और हरी जोत है वो तैयार हो रहे हैं क्योंकि वैसाखी का दिन है। आज उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी अच्छी दस्तार सजाई है और उसके बाद उन्होंने गोटे वाली चुन्नी पहनी है और आज वो गुरुद्वारे जा रहे हैं। उनको गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता है और क्योंकि उनके दादाजी ने उनको बताया था कि जो संगत होती है गुरुद्वारे के अंदर, जो लोग होते हैं उन्हीं के अंदर ही गुरु होता है। वो संगत ही गुरु का रूप माना जाता है, संगत में ही भगवान बसता है। और वहाँ पर जाकर जो पंक्तियाँ सुनने को मिलती है वो भी उनको बहुत अच्छी लगती है। और वो पंक्तियाँ हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। तो ये पंक्ति खास करके है गुरुद्वारे में सुनती है तो बच्चों को ये भी अच्छी लगती है। उन्होंने दादाजी कोलों एक इस दे अर्थ भी समझे हुए हैं। वो भी गुरुद्वारे जाके सरबत दा पला मंगते हैं, भाव संसार दे सारे जीवों का भला मंगते हैं। तो इस जो पंक्ति का अर्थ है कि सबका भला होना चाहिए, सबका भला मांगना चाहिए भगवान से। तो इस तरह से ये अर्थ उन्होंने अपने दादाजी से जाना हुआ है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि सबका भला मांगना चाहिए। तो वो भी सबका भला मांगते हैं, अपने ले दूजियां ले अरदास करते हैं। वो जानते हैं कि वाहिगुरु जी बच्चियां दी अरदास जल्दी सुनते हैं, इसलिए हरी जोत ते हरी रूप हमेशा अरदास करते हुए मंगते हैं कि हे वाहिगुरु जी तुसी सब दे पालनहार हो। जिस किसी ने भी तुहाडी मदद की जरूरत है उन्हां सब दी सहायता करना। तो इस तरह से बच्चे भी अरदास मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको मदद करना, सबको जिनको आपकी जरूरत है उनकी सहायता करना। हरी रूप अते हरी जोत दे अरदास करन तो बाद एक साखी सुनी किवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने जुल्म दा खात्मा किया, गरीबा कमजोरां दी राखी करन लई। विसाखी वाले दिन पंज प्यारे साजे हन जिन्हां दे नाम हन भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। साखी विच दस्या गया कि सानू ना ही किसे नू डराउना चाहिदा है ते ना ही किसे तो डरना चाहिदा है। फिर हरी जोत ते हरी रूप ने विसाखी दा मेला वेख्या, बहुत सारी चीज़ां खरीदियां, जलेबियां खाइयां, झूलियां ते झूटे ले, गतके दियां खेडां वेखियां। हुण ओह बहुत थक गए सन ते घर जाण लई काले सन। गड्डी विच बैठिया राह विच ओह गाउंदे जा रहे सन, दादा जी अगे अगे गा रहे सन, हरी जोत हरी रूप पिछे पिछे बोल रहे सन अते बहुत खुश सन। जदों भी गर्मी दी रुत आउंदी है विसाखी भी ओह अपने नाल लियांदी है, पंजा पीरां दियां याद सानू दवांदी है, गुरु गोबिंद सिंह जी दी गेंद गोद विच बिठाउंदी है, पंजाबी होण दा माण वधाउंदी है, ढोल ढमके भंगड़े गिद्धे गतके भी खिडाउंदी है, नचो गाओ खुशियां मानो सब दी सुख मनाउंदी है।
तो इधर यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें बताया गया है कि कैसे बच्चे विसाखी का त्यौहार मनाते हैं, कैसे वो गुरुद्वारे जाते हैं और उनको गुरु गोबिंद सिंह जी का पता चलता है कि इस दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और 5 प्यारे बनाए थे उन्होंने और उनके क्या नाम थे। तो बच्चे वापस आते समय ये सब बातें बोलते हुए आते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।